नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मेरा नाम है तन्वी खुराना। आज है 13 फरवरी 2020 और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, यानी कि विश्व रेडियो दिवस। तो इसी पर आइए कुछ सुनते हैं। जी, तो पुरानी यादें कुछ ताज़ा हो गई, याद आई कुछ धुन। जी हाँ, ये एक रेडियो की धुन है जो बहुत पुरानी है। हम आज भी इसे सुनते हैं तो रेडियो की ही याद आती है। रेडियो लोगों को करीब लाता है, इसीलिए आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो दिवस। जी हाँ, और हमारा आज का टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ रेडियो इन मॉडर्न एरा। इस टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे कुछ मेहमान। तो आइए मिलते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर अजीत होरो, वेलकम सर। सर हैं सीआईईटी एनसीईआरटी से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा, वेलकम मैम। नमस्कार। मैम हैं लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हमारे साथ हैं मिस्टर लक्ष्मेंद्र चोपड़ा। नमस्कार, वेलकम सर टू एनसीईआरटी। एंड सर हैं रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी दूरदर्शन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आपके पास अगर कोई भी सवाल है रेडियो से जुड़े हुए, आपके माँ बाप के पास, या कोई भी रेडियो की कोई भी यादें आप हमसे साझा करने चाहते हैं, तो अपनी सवाल आप हमारे यूट्यूब चैनल के कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा चैनल है NCERT ऑफिशियल, और लिखिए और हमें भेजिए अपने सवाल, क्योंकि हमारे यहाँ बैठे मेहमान उनके जवाब ज़रूर देंगे। तो आइए चलिए अपना डिस्कशन आज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है सर से, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। सर, वर्ल्ड रेडियो दिवस आज है 13 फरवरी का, और हर साल हम मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? इससे जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का और आकाशवाणी के और बाकी रेडियो श्रोताओं का भी आज के दिवस पर अभिनंदन करता हूँ। रेडियो का इतिहास तो बहुत पुराना है, और शायद हमारे कुछ दर्शकों के जानकर आश्चर्य होगा कि रेडियो की उम्र भी उतनी ही है जितनी सिनेमा की उम्र है। यानी लगभग 1895 के आसपास ये दोनों जनसंचार माध्यम हमारी दुनिया में मनोरंजन के लिए, सूचनाओं के लिए आए थे। जी। अब जहां तक विश्व रेडियो दिवस की बात है, वास्तव में विश्व रेडियो दिवस की जो शुरुआत हुई है वो यूनेस्को के माध्यम से हुई है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने स्पेन रेडियो के प्रस्ताव पर पूरे विश्व में रेडियो की महत्ता को रेखांकित करने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इस उद्घोषणा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा हमारे दर्शक जानते हैं, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चैप्टर है, और विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के लिए ये काम करता है जी। और इसका मूल उद्देश्य पूरे विश्व में विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से शांति कायम करना, और ये महसूस किया गया कि रेडियो इस दिशा में विशिष्ट कार्य कर सकता है। दूसरी बात यह है कि रेडियो विज्ञान यानी तकनीक के माध्यम से आया, और उसके बाद शिक्षा के प्रसार में और संस्कृति के संरक्षण में पूरी दुनिया भर में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जब ये आरंभ हुआ था, फिर इसके हर वर्ष अलग अलग थीम दिए गए। इसका एक थीम खेल रहा है, इसका एक थीम रेडियो और युवा रहा है, पिछले वर्ष का रेडियो और शांति था, और इस बार का थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी, यानी विविधता में रेडियो का योगदान जी। इस प्रकार कहा जाए कि यूनेस्को ने एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और पूरी मानवता के कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण घोषणा की थी जी। और तब से हम प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं।
ओके सर, आप क्योंकि सर ने हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया तो भारत में रेडियो द्वारा जो शैक्षिक कार्यक्रम है उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी जी। और भारत में यदि हम शैक्षिक रेडियो प्रसारण की बात करें तो पहला शैक्षिक रेडियो प्रसारण 1937 है ना, 1937 में स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट के नाम पर शुरू हुआ था। इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण दिल्ली, आपका मुंबई, कलकत्ता जी, और आपका चेन्नई जो कि उन दिनों मद्रास कहा जाता था, वहाँ से हुआ। इसमें एक बड़ी जो रुचिकर बात है वो ये है कि इसकी कोई नियमित पाठ्यचर्या तब नहीं थी, कोई पाठ्यचर्या नहीं थी, लेकिन फिर भी बाद में इन्होंने महसूस किया कि पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाएं। लेकिन बड़ी कठिनाई ये थी कि कोई एक सर्वमान्य ऐसा पाठ्यक्रम नहीं था, भाषाई विविधता थी, अलग अलग प्रांतों की जो विविधता थी वो भी थी, और विद्यालयों में कक्षा की के समय को लेकर के भी कई प्रकार की समस्याएँ हुई, लेकिन यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। दूसरा शैक्षिक रेडियो प्रसारण यदि हम कहें तो यह भी आकाशवाणी के द्वारा चलाया गया और 1956 में, और इस प्रोजेक्ट का नाम था एडल्ट एजुकेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम था। ये एक सीमित क्षेत्र में प्रसारित किया गया, यानी पूना के आसपास के 144 गांवों को इसमें लक्ष्य में रखा गया। साक्षरता को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन शिक्षा का जो मूल विषय था वो था खेतीबाड़ी। जी, तो शैक्षिक प्रसारणों का ये इतिहास है। जी, ओके सर। मैम, जैसे सर ने बताया कि खेतीबाड़ी की इन्फॉर्मेशन रेडियो से मिलती थी, और आज भी अगर हम रेडियो लगाते हैं तो हमें गाने सुनने को मिलते हैं, हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है, हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन रेडियो से मिलती है। तो पब्लिक के लिए रेडियो सिर्फ इतनी इसी के लिए ज़रूरी है या और भी कोई काम है रेडियो का? देखिए, रेडियो को अगर हम एक वर्गीकरण करके देखें, तीन तरह का रेडियो है। एक तो कमर्शियल रेडियो है, दूसरा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो कि आकाशवाणी, जिसकी हम आमतौर पर ज़्यादा बात करते हैं जी, और तीसरा है कम्युनिटी रेडियो जो सामुदायिक रेडियो के तौर पर काम करता है जी। इन तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। अब आप जिस खेती की बात कर रहे हैं या जिस सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं उसमें आज भी आकाशवाणी अव्वल दर्जे पर है। आकाशवाणी उन तमाम सरोकारों को जोड़ता है जिसे हिंदुस्तान की जनता चाहती है और जिसकी उसे ज़रूरत है, और यही वजह है कि आज भी एक जन सेवा प्रसारक के तौर पर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर जो भूमिका आकाशवाणी की है वो एकदम अलग है। बिल्कुल। फिर है कमर्शियल रेडियो जिसे युवा वर्ग कई बार बहुत पसंद भी करता है क्योंकि वो उनकी रुचियों, उनके स्वाद, उनकी ज़रूरतों और उनके मनोरंजन के हिसाब से उसको उसके कैप्सूल्स बनाए गए हैं। वो पॉपुलर मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो उस बात को करता है जो शायद सामने की जो जनता है वो सुनना चाहती है और उसके जरिए अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन की उस दुनिया में ले जाना चाहती है। और तीसरा आता है सामुदायिक रेडियो जिसे समुदाय खुद चलाता है, समुदाय के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपने लिए कॉन्टेंट खुद सोचते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसका ब्रॉडकास्ट होता है और आसपास का एक छोटा ही एरिया सही, छोटा क्षेत्र सही, लेकिन वो एक श्रोता के तौर पर उसे सुनता है, उसे समझता है और फिर एक एक्शन ओरिएंटेड काम के तौर पर हम उस सामुदायिक रेडियो को देखते हैं। इसमें एक वर्ग और भी है जिसका जिक्र काफ़ी कम होता है, वो है कैंपस रेडियो। विश्वविद्यालयों ने अपने स्तर पर, अपने इलाके में कोशिश की कि एक कैंपस रेडियो बने जिसे कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चलाएं, यूनिवर्सिटी की ज़रूरतों के हिसाब से उन कैप्सूल्स को डिज़ाइन किया जाए। अब इन सभी वर्गों को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं, इन सब को जोड़ दें अगर, तो रेडियो बहुत ही सुंदर एक बाइस्कोप बनकर सामने आता है। तमाम तरह के रंग, जैसा सर ने अभी कहा, विविधता, इन सब की अपनी खूबसूरती है, इन सब का अपना चार्म है और इन सब की अपनी ताकत है। और इन सब के बीच में रेडियो की जो एक खूबसूरती और भी है वो ये कि रेडियो ने ये सीखा है कि कैसे अपने आप को ज़रूरतों के हिसाब से ढाला भी जाए और कैसे अपनी भूमिका को इतना सशक्त बनाया जाए कि आम जन की आवाज़ बन सके रेडियो। ये मैं समझती हूँ रेडियो की सबसे बड़ी ऊर्जा है जो रेडियो को जनता के साथ हर रोज़ जोड़े रखती है। जी, सही कहा मैम आपने, रेडियो आज भी लोगों को जोड़ कर रखता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि इस साल की थीम है रेडियो और डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी से आपका क्या मतलब है, मतलब भारत के संदर्भ में
डाइवर्सिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। जी, विविधता डाइवर्सिटी, इसका सबसे सुंदर उदाहरण मेरे ख्याल में भारतीय है। भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत के लोकगीत, भारत की भाषाएं, भारत की फसलें, जलवायु, हाँ जलवायु हम लोग कहते ही हैं, उत्सव पर्व त्योहार जी, कि भारत वास्तव में विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर विविधता का अर्थ यह है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हर कोस में पानी बदल जाता है, कुछ कोस में भाषा बदल जाती है, कुछ कोस में संस्कृति बदल जाती है, उसके बाद भी मूल स्वरूप एक ही रहता है कि हम सब भारतीय हैं। ये वास्तव में विविधता में एकता का उदाहरण है। जी। जिस प्रकार भारत में संभवतः दुनिया की शायद ही कोई संस्कृति हो जिसके लोग भारत में नहीं पाए जाते हों, शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जिसके आदर्शों का भारतीय पालन ना करते हों, शायद ही ऐसा कोई बोली हो, मेरे ख्याल में शायद लगभग 1000 से ज्यादा बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं, 1500 से ज्यादा बोली जाती हैं। आदिवासी संस्कृति हमारे देश में है तो नगरी संस्कृति भी हमारे देश में, अगर हमारे देश में इसरो जैसे प्लांट हैं जो कि आज चंद्रमा तक पहुंचने की सोच रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसी मूल संस्कृति भी है, ऐसी आदिवासी संस्कृति भी है जिसमें हमें यह शिक्षा दी जाती है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार के साथ उसकी व्यक्तिगत संपत्ति जो है उसको भी त्याग देना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि यही विविधता है, और इस विविधता के जितने सुंदर रंग हमारे देश में पाए जाते हैं संभवतः दुनिया में शायद ही किसी संस्कृति में पाए जाते हैं, और कहीं नहीं मिलते। हाँ, संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश है, अगर हम मौसम का हाल देखते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि हिमालय में बर्फ पड़ रही है और हम सोचते हैं केरल जाने की योजना बनाई जाए, वहां समुद्र के किनारे जो एक अच्छा वातावरण है, या गोवा में जो एक अच्छा वातावरण है उसका आनंद लिया जाए। जो गोवा और केरल में बैठे हैं उनको ये लगता है कि नहीं हिमालय चला जाए और हिमालय जाके नॉर्थ ईस्ट में जाके वहां के मौसम का आनंद उठाया जाए। तो मेरा मतलब ये कि यही विविधता है, और ये विविधता जो मैं दूसरी बात पे अब आ रहा हूं, ये तो भौतिक विविधता है, जो अभौतिक विविधता है वो हमारे विचारों में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे धर्म में है, हमारे विश्वासों में है, हमारे मूल्यों में है, और हमारी संस्कृति में है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो संभवतः सबसे उचित और सबसे सामर्थ्यवान मीडिया है, माध्यम है, जो कि हमारी पूरी विविध संस्कृति को स्वर दे सकता है, आवाज दे सकता है, और इस विविधता में जो लोग स्वर मिलाना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, उनको प्रतिनिधित्व प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सर जी। तो एनसीईआरटी एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जी, एनसीईआरटी का शैक्षिक रेडियो प्रसारण उसमें क्या योगदान है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए ये बड़ी रुचिकर कहानी है, और इसके लिए हमको कालखंड में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, और उन दिनों यहाँ पर स्टूडियो नहीं थे, जहाँ तक एनसीईआरटी की आप बात करते हैं। जी। मैं स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, तो उन दिनों स्टूडियो नहीं था, इसलिए आकाशवाणी दिल्ली में हमारे शैक्षिक कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ करते थे, वहां से रिकॉर्ड करके यहाँ लाते थे, और उन दिनों जो कार्यक्रम होते थे विशेष करके उनको हम एरिक कार्यक्रम बोलते हैं, एरिक यानी जी एरिक, एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन कमिटी, ये एक समिति थी, और ये अगर मूल रूप से देखें तो शोध पर आधारित ये कार्यक्रम थे। और मेनली उसने अगर रेडियो कार्यक्रमों के फॉर्मेट की बात करें सर, तो डॉक्यूमेंट्री है ना, रेडियो डॉक्यूमेंट्रियाँ हुआ करती थी, जबकि इसके फॉर्मेट बहुत सारे हैं, डॉकी ड्रामा का इस्तेमाल तब नहीं हुआ या फीचर का नहीं हुआ है ना, या मैगजीन फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो एरिक कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से शोध पर आधारित डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि प्रारंभिक स्टेज में बच्चों के लिए रोचक कार्यक्रम बनाए जाए। इसको अगर मैं दूसरे ढंग से बोलूँ तो मैं ये कहूँगा, रोचक कार्यक्रमों से मतलब है कि अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग फॉर्मेट का प्रयोग किया जाए। क्या ऐसा करें कि बच्चे और ज़्यादा रुचिकर ढंग से उसको महसूस करें, वो ज़्यादा फील करें। आज ही मैं जब ड्राइव कर रहा था मैं सुन रहा था कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं देखते हैं एक दूसरे को, वी आर टॉकिंग टू अ ब्लाइंड फ्रेंड, यानी वो जो आपका श्रोता है आपको नहीं देख रहा है, और जो प्रसारक है वो श्रोता को नहीं देख रहा है, लेकिन तो अभी आवाज़ सिर्फ एक माइक्रोफोन का होना बीच में हमारी दूरियों को भी नज़दीकियों में तब्दील कर देती है। तो इसी बात पर मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ कि
ऐसा महसूस किया गया कि कुछ ऐसे रुचिकर कार्यक्रम बनाए जिससे बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास हो, हम जिसको श्रवण कौशल बोलते हैं आज के दिन में, है ना, सुनने की क्षमता का विकास हो। और ये काम हो रहे थे सन 70 के उत्तरार्ध और 80 के पूर्वार्ध में, है ना, उस समय हो रहे थे। आगे चलूंगा। इसी कार्यक्रम में एक बहुत ही लोग जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, रेडियो पायलट प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। रेडियो पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया 1979 में, और ये मुख्य रूप से भाषा शिक्षण का कार्यक्रम था। और इसके अंदर मैं याद करता हूँ, तब तो मैं भी यहाँ पर नहीं था, इसमें हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में सिखाने का प्रयास किया गया। और इसमें लक्ष्य ये रखा गया था कि जयपुर और अजमेर के 500 विद्यालयों के अंदर एक रेगुलर डेडिकेटेड ब्रॉडकास्टिंग वो वहां पर होने पाए। और इसके अंदर एक बड़ी आपको कहूंगा ये बड़ी दिलचस्प बात थी, और वो ये थी कि इसमें हमने रिपीट मोड को यूज किया। जैसे कार्यक्रम जब बीच में बजने, बीच में हमने गैप दिया, बच्चों को भी बोलने का मौका था उसमें, ताकि बच्चे सुन करके सुनने के कौशल का भी विकास हो और सुन के समझने के कौशल का भी विकास हो। ये दोनों बातें वहां पर थी। और इसमें ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है मुझको, आकाशवाणी, अगेन आकाशवाणी, राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी की सहभागिता थी। ये इंटरैक्टिव रेडियो प्रोग्राम थे, इसमें पॉजेस का हमने इस्तेमाल किया। और आगे क्या होता था कि जब बच्चे रिपीट करते थे तो बच्चों की आवाज को भी रिकॉर्ड कर लिया जाता था। बाद में बच्चों को ये बोला जाता था कि फला तारीख को आप अपनी आवाज को भी सुनोगे। तो जब बच्चे अपनी आवाज को सुनते थे, उनको उनके मन के अंदर बड़ी इस समय कहूंगा बड़ी जिज्ञासा जागृत होती थी, बड़ा अच्छा लगता था उनको। तो ये कार्यक्रम बहुत ही पॉपुलर हुआ, रेडियो रेडियो पायलट प्रोजेक्ट। और ये कक्षा 1 से 3 के कार्यक्रम थे। अच्छा, एनसीईआरटी के जहां तक योगदान का प्रश्न है। और एक बड़ी खास बात यह थी जो कि मैंने शुरू में बताया था, स्कूल ब्रॉडकास्ट इन इंडिया शुरू में बहुत हद तक ये सफल नहीं हुआ। इसके पीछे कारण था, जैसे अभी सर ने बताया, भाषाई विविधता और एट द सेम टाइम अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समझने का तरीका, है ना, यह स्कूल का समय। इसमें खास बात थी कि राजस्थान सरकार के सहयोग से या आपस में बातचीत करके स्कूल के समय में ही इस ब्रॉडकास्ट को रखा गया, ताकि बच्चे अपने स्कूल के समय में इस कार्यक्रम को सुने। और इसमें कुछ हम जिसको सिलेबल्स बोलते हैं या शब्दांश हम जिसको कहेंगे, उनका प्रयोग किया गया। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे दौड़ना रेंगना, है ना, दौड़ना रेंगना, तो क्या अंतर है? हम तो क्योंकि समझते हैं इसे, हमको समझ में आता है, लेकिन एक बच्चे को समझाने के, बच्चों दौड़ना और रेंगना दोनों बेसिकली मूवमेंट है, लेकिन दोनों में फर्क है। नहाना या धोना, दोनों बातों के अंदर आपका अंतर हो सकता है। थोड़ा सा और मैं आगे जाऊंगा, इसके अंदर करीब करीब 1708 यानी कार्यक्रम बनाए गए, और 177 टोटल जो ध्वनि कैसेट थे वो बने थे। इसी के बाद एक उन्नति और हुई, और वो ये हुआ कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जी, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी, तो वहां पर इसी कार्यक्रम को हल्के मॉडिफिकेशन के साथ हम लोगों ने आरंभ किया, और ये भी बहुत सफल हुआ जी। तो एनसीईआरटी का अभी तक का योगदान ये है। आगे की बात आगे करते हैं। ये जी, बहुत ही रोचक योगदान है, और ये कहानी मुझे नहीं पता थी जी, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी नहीं पता थी। तो आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और जानेंगे आपसे। अभी मैम से पूछते हैं, मैम एजुकेशन में रेडियो का क्या रोल है? देखिए, अभी जैसे सर कह रहे थे कि रेडियो बहुत सामर्थ्यवान माध्यम है, और आपने भी कहा कि रेडियो एक जो हमारी स्मरण शक्ति के साथ जुड़ा है जी, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आंखें बंद करके हम कल्पना के संसार में भी जा सकते हैं। आंखें बंद करके हम उन दृश्यों को की कल्पना कर सकते हैं जिसे कि रेडियो के जरिए कहा जा रहा है। बिल्कुल। और आप देखिए कि जैसे जैसे तकनीक का विस्तार हुआ, हमने ये भी पाया कि इतने सारे माध्यम आने के बाद जो एक स्मरण शक्ति, उस पर भी असर पड़ा, लिखने और पढ़ने पर भी असर पड़ा। और यही वजह है कि चीन और जापान समेत कई देशों में इस समय ये परंपरा शुरू कर दी गई है कि बच्चे रेडियो को सुने और आंखें बंद करके सुने, ताकि वो ये कल्पना कर सकें कि जो कहा जा रहा है उनकी दृश्य क्या होंगे। इसी तरह जो पूरे भारत में जहाँ भी जर्नलिज्म का पाठ्यक्रम है, वहाँ पर रेडियो एक अनिवार्य विषय के तौर पर है। रेडियो असल में, जैसे हम प्रिंट जर्नलिज्म से जब शुरुआत करते हैं और जब हम रेडियो पे आते हैं, तो एक बुनियादी पढ़ाई है, लेकिन इसमें कमियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो सिलेबस है वो तमाम जगहों पे उसे बनाने का समय भी अलग अलग रहा। कुछ जगहों पे बहुत पहले सिलेबस बना, वो बार बार रिवाइज नहीं हुआ। अगर सारी दुनिया बदल रही है तो रेडियो भी बदल रहा है, इस बात को हमें मानना होगा। दूसरी बात कि रेडियो की पढ़ाई हमें अपने इतिहास से उस तरह से नहीं जोड़ पाती,
हमारी पढ़ाई कमर्शियल रेडियो के आसपास तो घूमती है, लेकिन आकाशवाणी ने जिन संस्कारों को, जिस तरह से रेडियो को ने पूरे इतिहास को और संस्कृति को जोड़ने का काम किया, उसे हम पाठ्यक्रम में लाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। और इसी तरह से जहाँ रेडियो पढ़ाया भी जा रहा है, वहाँ रेडियो का उस तरह के स्टूडियो डेवलप नहीं हो पाए। और ये भी कई बार लगा कि शायद रेडियो से आगे टीवी है, और टीवी को कई बार लगा कि रेडियो हमसे पीछे है, और हम ये असल में भूल गए कि ये आगे और पीछे होने का मामला नहीं है। दोनों की अपनी अपनी मजबूती है, दोनों की अपनी अपनी शक्ति है, किसी एक के आने से दूसरा बिल्कुल मिटा नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है। इसमें मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी। जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की शुरुआत की, तो उसके साथ एक बड़ी प्रखर बात उभर कर आई, वो ये कि अगर देश के प्रधानमंत्री को भी ये लग रहा है कि किसी और माध्यम की बजाय रेडियो का वो रेडियो के जरिए अपने मन की बात कहें, तो इसका मतलब रेडियो में वाकई कुछ है। बिल्कुल। और अब जब जनता रेडियो को सुन रही है और समझ रही है, और पूरे हिंदुस्तान में रेडियो ने इस बात को भी साबित कर दिया, आकाशवाणी ने इतनी भाषाओं के पिटारे को सामने लाया है कि जो भाषाएं, जो बोलियां, जिनके छिपने का या जिनके मिटने का कहीं कोई अंदेशा भी था, उसे अगर कोई बचा पाया तो रेडियो। लेकिन मैं समझती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी भी थोड़े से पिछड़े हैं इस मामले में, कि हम आकाशवाणी से लेकर कमर्शियल मीडिया और सामुदायिक रेडियो तक की जो पूरी शक्ति है, हम उस निचोड़ को अभी पाठ्यक्रम में नहीं ला पाए। इसलिए जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आज के दौर के हैं, या जो रिटायर्ड ब्रॉडकास्टर्स हैं, मैं समझती हूँ उनका योगदान तो बहुत अहम हो सकता है, और पूरे शिक्षा के संस्थान जो हैं उन्हें इनकी जो उस सामर्थ्य है, उनकी उस एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करने का समय, मैं समझती हूँ, आ गया है। जी, बहुत खूब। मैम, सही बताया आपने कि टीवी और रेडियो, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों की अपनी अपनी मजबूती है और दोनों की अपनी अपनी शक्ति है। मैम, आपने थोड़ी देर पहले कमर्शियल रेडियो का नाम लिया था। कमर्शियल रेडियो होता है, कम्युनिटी रेडियो होता है, तो कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल दोनों में क्या फ़र्क है, सर आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अजीत जी ने और वर्तिका जी ने दोनों ने ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। मैं समझता हूँ कि कमर्शियल रेडियो तक पहुँचने के पहले हम रेडियो की इस यात्रा को देखें। जी, जी। क्योंकि रेडियो, मैं इसको 1971 से देख रहा हूँ, पहले वार्ताकार के रूप में, फिर रेडियो के अंदर जाके, और मतलब करीब 50 साल रिटायर में दूरदर्शन से हुआ हूँ, तो यानी रेडियो टेलीविजन को बहुत करीब से देखा। एक तो ये बिल्कुल सही बात है कि रेडियो टेलीविजन का साउंडट्रैक नहीं है। जी, ये बात कई लोग जो रेडियो को नहीं समझते हैं या टेलीविजन को नहीं समझते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, कि भाई क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री टेलीविजन पे तो आ रही है, रेडियो पे अलग से देने की क्या जरूरत है। तो मुख्य बात यह है कि रेडियो की संस्कृति और टेलीविजन की संस्कृति और तकनीक दोनों अलग अलग है। बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और टेलीविजन के जो कमेंट्री होती है मॉनिटर को देख के की जाती है, और रेडियो की जो कमेंट्री होती है ग्राउंड को देख के की जाती है। ये मूल अंतर। तो मैं जो सबसे पहले तकनीकी यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी तकनीक में परिवर्तन हुआ है, तब सॉफ्टवेयर में या कार्यक्रमों में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले रेडियो में बड़े बड़े वॉल्व्स का इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक तकनीक आई और हमारा जो माइक्रोफोन है वो स्टूडियो से बाहर निकलकर आम जन तक पहुंचा। जी। और जब आम जन तक पहुंचा वो माइक्रोफोन, उसके साथ ही साथ फोन इन इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ, तो आम जनता की आवाज, इसलिए पहले शुरुआत में रेडियो को यह कहा जाता था कि लोग अंग्रेजी सीखते हैं रेडियो की न्यूज सुन के, हिंदी सीखते हैं रेडियो को सुन के, पर वो फिर संभव नहीं रहा, क्योंकि रेडियो विशुद्ध रूप से आम जन का माध्यम हो गया। और जब आप माइक्रोफोन लेके पहुंचे और आप किसी आइसक्रीम वाले से, किसी सब्जी वाले से, किसी सामान्य व्यक्ति से आप उसकी किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में जवाब देगा। और आप उस प्रश्न को लेकर नीति निर्धारक के पास जाएंगे, या जो व्यक्ति उस सुविधा को देने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, उससे आप सवाल जवाब करेंगे। आप सवाल जवाब करेंगे यानी जनता सवाल जवाब करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा, जैसे अभी अजीत सर ने कहा ना, बहुत अच्छी बात आपने कही कि फिर बच्चों को भी हमने समाहित किया। जी। बच्चों के प्रश्नों को भी हमने समाहित किया। तो बच्चों के प्रश्नों को आपने इसलिए समाहित किया क्योंकि हमारे पास ये तकनीकी सुविधा आई,
और इस तकनीक का कार्यक्रम जो निर्माता थे या कार्यक्रम की जो सोच रखते थे उन्होंने इसका बड़ा सुंदर इस्तेमाल किया। आपका माइक्रोफोन बाहर जा सकता, माइक्रोफोन आपका स्टूडियो से बाहर गया, स्टूडियो से बाहर गया। जी जी। दूसरी बात क्या हुई कि पूरे विश्व में ये परिवर्तन आया। पहले हम जब काम करते थे शॉर्टवेव ट्रांसमीटर्स पे काम करते थे, यानी जो हमारी ध्वनि तरंगे थी वो शॉर्टवेव ट्रांसमीटर से बहुत दूर दूर पहुंचती जी। उसके बाद मीडियम वेव, मीडियम वेव यानी उसकी एक थोड़ी दूरी थी, और सबसे अंत में जब एफएम ट्रांसमीटर्स आए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर्स आए, तो इस साल का जो संदेश दिया है यूनेस्को ने रेडियो एंड डाइवर्सिटी, वो उसका सबसे सुंदर माध्यम था। जैसे अभी वर्तिका जी ने बताया ना कि कैंपस रेडियो आए, उसकी वजह है कि हमारा जो एफएम ट्रांसमीटर है उसकी एक विशेषता है कि वो एक निश्चित दायरे में, वो 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक हो सकता है, उतनी दूरी में प्रसारण करता है। यानी कि वो उस एक विशिष्ट सीमित वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप, उनकी संस्कृति के अनुरूप कार्यक्रमों का निर्माण करेगा और उसका प्रसारण करेगा जी। अब इसका आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आकाशवाणी का एक मनोरंजन चैनल है विविध भारती जी, और हम सब जानते हैं कि विविध भारती का जब निर्माण हुआ था उसके इतिहास में अगर आप कभी जाएंगे तो ये सोचकर हुआ था कि भारत की संस्कृति के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनको एक स्थान पर लाया जाए जी। तो सबसे पहले उसका शॉर्टवेव ट्रांसमीटर पे उसका प्रसारण होता था, मुंबई स्टूडियोज में थे, फिर धीरे धीरे वो एफएम ट्रांसमीटर पे भी उपलब्ध होने शुरू हुआ। लेकिन अभी भी विविध भारती का जो स्वरूप है उसमें जो नाटक प्रसारित होते हैं, उसमें जो गीत प्रसारित होते हैं, अभी अजीत जी ने चर्चा की कि उस समय फॉर्मेट्स कम थे जी, और रेडियो तो है ही फैंटेसी का माध्यम, ये एकमात्र माध्यम है जो आपको एक मिनट में इस स्टूडियो से चंद्रमा तक की यात्रा करा सकता है जी। क्योंकि इसमें फैंटेसी का, अति कल्पना का सबसे सुंदर रूप से इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरा मतलब है कि जब हम विविध भारती में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं तो हमारा टारगेट ऑडियंस का हम ध्यान रखते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस पूरे भारत के श्रोता हैं, और इसीलिए बाद में उसमें हिंदी कार्यक्रमों के साथ साथ जो हिंदी कार्यक्रम है ये सब भी, तेलुगु भाषा, इनके भी लोकगीत, लोक संस्कृति, इन सब का भी इस्तेमाल करना शुरू हुआ। लेकिन एफएम जब हम करते हैं, जैसे आपने होशंगाबाद की चर्चा की, होशंगाबाद में जो प्रसारण होगा वो एफएम ट्रांसमीटर पे होता होगा, या जब आप, अगर हम मान लीजिए एनसीईआरटी में ही यहाँ पर एक कैंपस रेडियो लगा लें, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस होगा वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के आसपास भी, जहां जहां उसके सिग्नल पहुंचेंगे वहां का श्रोता वर्ग होगा। तो जब हम कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे तो हम उनकी रुचि के अनुसार उन कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे, या जो आसपास जो पॉपुलेशन रहती उसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो पॉपुलेशन है इसका बड़ा एक कहना चाहिए बहुत ही रोचक सम्मिश्रण होता है जी। वो ऐसे देखिए, मैं आपको अपना पंजाब का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आकाशवाणी जलंधर में मैं स्टेशन डायरेक्टर था और वहां पर हमारे कृषि कार्यक्रमों की सलाहकार समिति थी जी। जो कृषि कार्यक्रमों की सलाहकार समिति थी उसमें किसान भाई, हमारे किसान भी उस समिति के सदस्य थे और उनके सुझावों को हम बहुत ध्यान से सुनते थे वर्तिका जी। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता होगी, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ग्राउंड की समस्याएं क्या है, ग्राउंड में हो क्या रहा है, तब तक आप कार्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत जी। तो एक मीटिंग में हमारे एक सिख किसान थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आप जो हमारा देहाती प्रोग्राम उसमें सिर्फ पंजाबी लोकगीत क्यों प्रसारित करते हैं। बड़ी अच्छी बात। तो क्यों? तो उन्होंने बहुत सही जो सांस्कृतिक विभिन्नता हमारे देश की उस ओर ध्यान हमारा आकर्षित किया। हम पढ़े लिखे लोग नहीं इतनी दूर समझ पाते हैं जितनी दूर ये लोग समझ पाते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमारे साथ बिहार से आए हुए, पूर्वी भारत से आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हुए, छत्तीसगढ़ से आए हुए श्रमिक भी काम करते हैं। बिल्कुल। और जब हम शाम के समय देहाती प्रोग्राम सुनते हैं तो वो भी हमारे साथ ये प्रोग्राम सुनते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग लगभग पंजाबी भाषा समझने लग गए। लेकिन हमें कई बार बड़ा दुख होता है कि उनको ये लगता होगा कि भाई हम उनकी संस्कृति के गीत, उनके लोक संगीत या उनकी लोक संस्कृति का कुछ भी क्यों नहीं सुनवा पा रहे। आपका अपने संगीत का जायका तो चाहिए जी। इसको कहते हैं सांस्कृतिक एकता जी। और इसका
और वास्तव में मैंने फिर उसके बाद जो लखनऊ को आकाशवाणी पटना को पत्र लिखे वहां से लोक संगीत की रिकॉर्डिंग्स बुलाई और उसको भी हमने शामिल करना शुरू किया, उसका प्रसारण करना शुरू किया। तो मेरा मतलब यह है कि ये जो विभिन्नता है इसका जो कवरेज है ये आकाशवाणी के लिए बहुत पॉसिबल है और अब चूंकि हमारे पास सारी तकनीक उपलब्ध है, हमारे पास रेडियो, एक गांव में बैठा व्यक्ति भी सुन रहा है, समुद्र में एक मछुआरा नाव चला रहा है वो भी सुन रहा है, हल जोतता हुआ किसान भी सुन रहा है, किसान भी सुन रहा है, एक विद्यार्थी भी सुन रहा है और एक रिक्शे वाला भी सुन रहा है, छोटे छोटे दुकानदार भी सुन रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हर वर्ग के लिए रेडियो की एक तकनीक उपलब्ध है। शॉर्ट वेव का युग खत्म हो गया है क्योंकि शॉर्ट वेव तकनीकी रूप से उसके वॉल्व्स अब अवेलेबल नहीं है, मीडियम वेव भी है लेकिन उसका भी अब थोड़ा कम होता जा रहा है, उसकी पहुंच कम हो, और हम मैक्रो ब्रॉडकास्टिंग से माइक्रो ब्रॉडकास्टिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं और यही रेडियो की, वर्तिका जी इसको चूंकि पढ़ाती भी हैं और ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, हम लोग तो प्रायोगिक रूप से काम करते हैं, तो ये अब रेडियो की एक नई शक्ति का उदय हुआ है। इसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं शायद जो अभी आपने बताया लक्ष्मेंद्र जी कि आपका ब्रॉडकास्ट से आपका नैरो कास्ट की यात्रा है ना। ये आपने बहुत सही शब्द ब्रॉडकास्ट से नैरो कास्ट, मैंने माइक्रो मैक्रो माइक्रो कहा, आपने सही कहा, ब्रॉडकास्ट से नैरो कास्ट, बिल्कुल ये पारिभाषिक शब्दावली में भी यही इस्तेमाल होता है। जी जी मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मैं इसमें एक विश्वसनीयता की बात भी जोड़ना चाहती हूँ जी, खास तौर पे आकाशवाणी जिस विश्वसनीयता को उसने बरसों सींचा उसे बना कर रखा ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी को जब इन्होंने कहा था डायरेक्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लोनल फील्डर ने कि आप एक बार आकाशवाणी आइए, गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अभी आना बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि अभी सरकार भारत की नहीं है, भारत आज़ाद नहीं हुआ, और अगर मैं एक बार आकाशवाणी आया तो उसका मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान भर की आबादी उसे सुनेगी। आज़ाद भारत में एक ही बार गांधी जी आकाशवाणी के स्टूडियो में गए जी, और आज भी वहाँ पर एक सम्मानजनक तरीके से उस तारीख को अंकित किया गया है और हम उसे नेशनल ब्रॉडकास्ट डे के तौर पर मना रहे हैं, लोक प्रसारण दिवस के तौर पर मनाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया, बिल्कुल धूमधाम से मनाया, बिल्कुल। और बरसों बरस तक दूरदर्शन के आने के बाद भी, टेलीविजन के आने के बाद भी, निजी चैनलों के आने के बाद भी, आज भी अगर कोई बड़ी खबर होती है तो लोग आकाशवाणी को ट्यून इन करते हैं ये जानने के लिए कि खबर सही है या नहीं। हाँ जी। ये जो तथ्य परख रिपोर्टिंग की परंपरा आकाशवाणी ने शुरू की वो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा काम हुआ, और आज भी जो सर कह रहे थे कि अपनी भाषा को मांझने के लिए चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या बंगाली हो, ये कहा जाता है स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, शिक्षाविद भी ये कहते हैं कि आप एक बार आकाशवाणी को सुनिए, रेडियो सुनिए, नियमित अगर आप सुनेंगे आपकी भाषा निखर जाएगी। तीसरी बात यह है कि एक बड़ी शांति का माध्यम भी है, ये चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता, ये परेशान नहीं करता, संवेदना को जगाता है लेकिन संवेदनहीनता नहीं लाता, ये भी एक बहुत बड़ी चीज आकाशवाणी ने हमें सौंपी है, जिसे शायद मैं समझती हूँ इस परंपरा को अगर हमने समय रहते नहीं सहेजा तो आने वाले सालों में हमारे पास आवाजें तो रह जाएंगी लेकिन पन्ने नहीं बचेंगे। अभी भी जब ये शुरुआत हुई कि जो पुराने रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं उसको आप चाहें तो आप उन कैसेट्स को खरीद सकते हैं, प्रसार भारती ने इस बड़ी चीज को शुरुआत तो की, लेकिन मैं समझती हूँ लिखने के स्तर पर हम पीछे हैं। आप अगर पूरी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पर लिखी हुई किताबों को ढूंढ लें तो आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आकाशवाणी के साथ या दूरदर्शन के साथ या रेडियो के साथ जुड़े रहे और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर उसको लिखा भी है। जैसे सर की ये किताबें हैं इन्होंने लिखा, ऐसा बहुत कम हुआ है क्योंकि वाचन परंपरा को लेखन परंपरा में हम बदलने में थोड़ा सा पीछे रहे। दूसरा ये है कि ये एक कथावाचक की जो परंपरा है उसको आगे ले जाने में भी रेडियो बहुत आगे रहा है, बहुत सटीक रहा है। जब अभी जालंधर की बात हो रही थी, मुझे अपने बचपन के दिनों में जो जालंधर आकाशवाणी की जो बात याद है, जब मैंने अपने ऑडिशन को पास किया और हम लोग जब जाया करते थे दूरदर्शन में और आकाशवाणी में
तो मैंने पहली बार ये देखा और मुझे लगा आज के बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए, खास तौर पे नाटक जी, कैसे नाटकों को आकाशवाणी सहेजता था जी, और आज भी पुराने जितने लेखक हैं कवि हैं उनके लिखे हुए उस इतिहास को किस खूबसूरती से साथ सहेजा गया, उनके साथ कौन से किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो, कौन से स्वर हो, किस तरह की आवाज़ को उस समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए और क्या मॉड्यूलेशन होगा, संगीत क्या होगा। मैं समझती हूँ कि ये तो एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में आप बरसों बरस बात कर सकते हैं बिना थके और ये आपको खुशी दे सकता है। बिल्कुल, अगर हम रेडियो की बात करें और आकाशवाणी का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और हम सब में से सबसे ज़्यादा सर आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और आपने किताबें भी लिखी हैं, तो प्लीज़ अपनी किताबें एक बार हमें दिखा दीजिए, हम हमारे दर्शक भी देख लें आपने क्या किताब लिखी है। और तन्वी जी धन्यवाद इसके लिए, पर मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहता हूँ और खासकर उनको जिनका आजादी की लड़ाई के इतिहास में जिनकी रुचि है जी, कि आजादी की लड़ाई में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, बिल्कुल, जब ये आंदोलन हुआ तो जो ब्रिटिश शासक थे या अंग्रेज शासक थे उनकी पहली कोशिश ये थी कि इसका प्रचार प्रसार ही ना हो भारत छोड़ो आंदोलन, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि जैसे ही मुंबई में जब बैठक हुई और भारत छोड़ो का नारा दिया गया तो जितने भी हमारे देश के बड़े नेता थे जो इस स्वराज्य आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौर में यानी वर्ष 1942 में मुंबई में एक गुप्त रेडियो ने प्रसारण शुरू किया, उषा मेहता जी उसकी संचालिका थी, और उस गुप्त रेडियो के माध्यम से ये जितनी भी 1942 के आंदोलन से जुड़ी खबरें थी वो सारी की सारी खबरें आम जनता तक पहुंचाई जाती थी। और इस लड़ाई में या इस गुप्त रेडियो के संचालन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे ये जो बड़े नेता थे और जो मैं कहना चाहिए इस आंदोलन में अंग्रेजों की गिरफ्त में तब तक नहीं आए थे, इनके माध्यम से जितनी हमारी ये स्वराज आंदोलन की घटनाएं थी, खबरें थी, ये सबकी सब लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती थी और उसके माध्यम से पूरे भारत में ये पहुंचती थी। तो सर ये जो गुप्त रेडियो था उसकी खबर अंग्रेजी सरकार को नहीं थी। हाँ, मैं वही आपसे बताना चाहती, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि अब सवाल ये था कि उस जमाने में अंग्रेजों की गुप्तचर पुलिस थी और खबर तो सबको थी, तो क्या किया जाता था कि उसका ट्रांसमीटर बदल दिया जाता था, वो ट्रांसमीटर रातों रात इस स्थान से उस स्थान, उस स्थान से इस स्थान में उसको ले जाया जाता था, एक प्रकार का सूटकेस ट्रांसमीटर। सूटकेस ट्रांसमीटर, ये आपने बड़े सही, पोर्टेबल ट्रांसमीटर, बड़े सही उसका इस्तेमाल किया गया। तो देखिए ये भी रेडियो की हमारे ही देश में भारत में ही रेडियो की एक ये भी बहुत बड़ी ताकत थी कि जिस रेडियो के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता का बहुत बड़ा राज या बहुत बड़ा श्रेय उस गुप्त रेडियो को उस युग में था। ओके ओके, मैम डॉक्टर वर्तिका आपके लिए एक सवाल है, सौम्या शर्मा पूछ रही है कि मैम हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रेडियो इन वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये बहुत रोचक सवाल है। एक्चुअली सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, एक्चुअली रेडियो ने सभी को एम्पावर किया है। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या फिर देश को चलाने वाले सांसद हों, उन सब ने रेडियो का भरपूर इस्तेमाल किया ये जानने के लिए कि रेडियो के ज़रिए पूरा समाज कैसे बदल रहा है जी। और जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट का सवाल है, पहले तो बात यह है कि रेडियो ने इस बात का सामर्थ्य भी बढ़ाया कि रेडियो स्टेशन के अंदर भी चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हों या रेडियो के कार्यक्रम बनाने वाले हों या उसके ज़रिए लोगों से बात करने वाले हों, महिलाओं को हमेशा एक सम्मानजनक जगह मिली। रेडियो ने ये भेदभाव कभी नहीं किया कि पुरुषों की जगह है या महिलाएं नहीं आएंगी। शुरू से ही आकाशवाणी की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ।
महिलाओं को उनकी जगह भरपूर दी गई। आज भी आप किसी ब्रॉडकास्ट को देखिए, वहाँ आपको महिलाएं जरूर मिलेंगी। अभी आप देखिए, इस कार्यक्रम में भी हम दो महिलाएं हैं जी। तो इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण भी महिला थी, बिल्कुल आंदोलन में रेडियो चलाया, गुप्त रेडियो जी। और सुबह से रात तक के जितने ब्रॉडकास्ट रहे, उन सब में हमेशा उस संतुलन को बनाकर रखा गया। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रूरल इंडिया है, उसमें जो महिलाएं हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए कार्यक्रमों को भी हमेशा आकाशवाणी ने खास तौर पर तरजीह दी। इसके अलावा एजुकेशन, जितना डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन की हम बात करते हैं, या फिर कोई ऐसे कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, या कानूनी शिक्षा तक में, तमाम कार्यक्रमों के जरिए ये एक मैसेज को देने का प्रयास किया गया कि अब महिलाओं को सबल हर हाल में होना होगा। और अच्छी बात यह है कि अब महिलाओं को सिर्फ 8 मार्च को नहीं याद किया जाता, पूरे साल उनके कार्यक्रमों को तरजीह दी जाती है, उनके सवालों को भी, और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ है। आप याद कीजिए, जब युवाणी का दौर शुरू हुआ था, तब भी कितने युवक और कितनी युवतियां जाते थे अपने ऑडिशन को देने के लिए, और उनका चयन कभी भी इसलिए नहीं खारिज किया जाता था कि कोई महिला है जी। इसी तरह नाटकों में, रेडियो में जो महिलाओं को भूमिका दी गई, हर बार नाटकों में महिलाएं सामने आई। आकाशवाणी के समाचारों को देखिए, उन्हें पढ़ने वाली भी महिलाएं हमेशा भरपूर तादाद में रही। हाँ, ये जरूर बात एक अच्छी रही कि जब नाइट शिफ्ट की बात होती थी, नाइट पूल होता था, तब ये जरूर ध्यान में रखा गया कि महिलाओं को असुविधा ना हो। तो मैं समझती हूँ कि जो रेडियो ने कहा वो उसने किया भी, बल्कि जितना कहा उससे ज्यादा ही किया, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज महिला सशक्तिकरण के लिए, हम सबके लिए। वर्तिका जी, यहाँ मैं एक जानकारी अपने दर्शकों के लिए देना चाहूंगा। आकाशवाणी दिल्ली से जो महिलाओं का कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसका नाम है आधा आकाश हमारा। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब ये समानता की बात अपने आप, असमानता कोई बात ही नहीं है जी, नाम में ही समान जी, 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 जी। मैम, आपने युववाणी की बात की, तो मैंने अपना सफर युववाणी से शुरू किया था। मैंने किया था। मैंने भी वहीं से किया। बहुत अच्छा। जी। तो आज हम सबने इसी बहाने एक जो उस पगडंडी पर हम लोग चलने लगे जो ऐतिहासिक है, और जिसे याद करके वाकई बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी। सर, आपके पास आते हैं। आपने कुछ देर पहले कुछ सीमित जगहों के बारे में बात की थी जो कि रेडियो से जुड़े हुए हैं। मैंने बात की थी आपका जयपुर, अजमेर और होशंगाबाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो क्या बड़े स्तर पर रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था? हाँ, बड़े स्तर पर भी शैक्षिक रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ, और इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ। अप्रैल 1997 में एनसीईआरटी और आकाशवाणी के बीच में एक समझौता हुआ, और जिस समझौते के तहत भारत के हिंदी भाषी बहुल क्षेत्रों में, है ना, 40 रेडियो स्टेशनों से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ हुआ जी। आधा भारत लगभग इन शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनता था, और ये ऑलमोस्ट आप लगे 2005 तक चला, 2005 तक कंटिन्यूसली। और आज भी मुझको याद है, टेप्स को पैक करना और आपका रिकॉर्ड करना, कार्यक्रमों को बनाना, और अलग अलग जगहों से जो फीडबैक आते थे उसको नोट करना, उसके हिसाब से फिर कार्यक्रम बनाना, उनको दोबारा भेजना, है ना। तो अभी भी मुझको याद है वो समय। तो ये काफ़ी लंबा, ये जो आपका प्रसारण का समय था, ये काफ़ी लंबा समय चला। लेकिन बीच में और एक घटना हुई, सितंबर 2001, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, आपका इग्नू से भी, हाँ, शैक्षिक रेडियो चैनल ज्ञानवाणी से भी हमारे कार्यक्रमों के प्रसारण आरंभ हुए। लेकिन एक खास बात है कि अगर आप पूछे किन किन विषयों को हमने इसमें शामिल किया, तो इस समय मुख्य रूप से कहूंगा, जैसे बहुत छोटे बच्चों के नर्सरी गीत, गीतों का पूरा पिटारा वहां पर मिल जाएगा, उसके पूरे कैप्सूल, जैसा भी वर्तिका जी ने भी कहा था, आपने शब्द का प्रयोग किया था, वो हो गया। अच्छा, फिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर, बच्चों को विशेष करके बताना, जो पुरानी कहानी है सारी बातों को किस प्रकार से हम भारत की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हम बच्चों को बता सके, भारत के महापुरुषों के बारे में, और स्वतंत्रता संग्राम पर तो एक पूरी श्रृंखला है हमारे पास, एक पूरी श्रृंखला जिसमें की। और यदि आप फॉर्मेट की बात करें, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, डॉक्यूमेंट्री का प्रयोग हुआ जी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के इतर उससे कहीं आगे बढ़ करके आगे हम लोगों ने डॉक्यू ड्रामा का इस्तेमाल किया जी। हाँ, ऑथेंटिक, मतलब क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो ऑथेंटिक हो गए, लेकिन ड्रामा, ड्रामा के रूप में इसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया। ये था लिंग की समानता, है ना, जेंडर आपका इक्वालिटी, उस पर भी बहुत सारे कार्यक्रम बने, उसका हक आधा आधा, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। एक और कार्यक्रम था भाषा पर आधारित, और एक पूरी तरह से संगीत पर आधारित कार्यक्रम। अगर आप पूछें कि और क्या किया, तो इन दिनों ऑडियो बुक ऑलरेडी आजकल हम लोग बना रहे हैं, कि एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें
अब ये यानी प्रसारण के द्वारा भी उपलब्ध है, ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी इसको सुना जा सकता है अलग अलग। तो इस प्रकार से तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इस समय मैं कहूँगा कि हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण लगातार होता रहा। बिल्कुल जी। इसके लिए एक बात और जोड़ूंगा कि अलग अलग फॉर्मेट का प्रयोग किया हम लोग जी, एक ही फॉर्मेट पर काम नहीं चलता है, तो अलग अलग फॉर्मेट हुआ, तो अलग अलग फॉर्मेट में इंटरव्यू फॉर्मेट भी है, शिक्षाविदों की बातचीत है, उनके विचार हैं, संगोष्ठियां की, इस प्रकार के कार्यक्रम, तो बहुत बड़े पैमाने पर मैं इस समय कहूंगा इन कार्यक्रमों का प्रसारण एनसीईआरटी ने किया है। इसमें एक और बात जोड़ी जा सकती है कि रेडियो के जरिए सोशल कैंपेन्स को बहुत बड़ी जगह मिली। जब भी सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस किया गया कि किसी एक अभियान से जनता को जोड़े जाने की बहुत ज़रूरत है, तो वो मैसेजिंग जब हुआ है, जब भी रेडियो के जरिए, लोगों पर उसका बहुत असर, अच्छा असर पड़ा है। चाहे वो पोलियो से आप शुरुआत कीजिए, या फिर आज कमर्शियल मीडिया से भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस को लेकर कि सड़क पर एम्बुलेंस है और लोग जगह नहीं दे रहे, अब उसकी अपील जब बार बार होती है रेडियो से, कुछ असर ज़रूर पड़ता है। और रेडियो की एक और शक्ति जो है वो ये कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, तो आदमी अपना जब काम कर रहा है मल्टीटास्कर के तौर पर, तब भी वो सुनता जाता है और कुछ मैसेजेस का असर जरूर पड़ता है। इसी तरह किसान भाइयों के लिए और सैनिकों के लिए जिस तरह के सरोकार दिखाए गए, उनके लिए चाहे उनके संगीत से जुड़े कार्यक्रम हो या खेती से जुड़े कार्यक्रम हो, हर बार जो रोचकता और जिस इनोवेटिवनेस के साथ कार्यक्रमों को जगह दी गई, वो भी बड़ी बात है। और जो सर आप कह रहे थे एजुकेशन वाली बात, इससे मुझे बच्चों से याद आया पंचतंत्र की कहानियां, उनको भी जब बच्चों को सुनाया गया, उस पर भी तो, हमारी श्रृंखला है जी, वो बहुत कारगर श्रृंखला रही है, खासतौर पर उन घरों में जहाँ पर महिलाएं भी कामकाजी हैं और उनके पास समय नहीं है कि दादा दादी या फिर माँ रात में कोई कहानी सुना सके, तो मेरा ख्याल है उनका भी बहुत बड़ा सहारा जो है वो रेडियो बना है। जी जी बिल्कुल, तो रेडियो एक खजाने जैसा लग रहा है आप। रेडियो बात ने माँ का, रेडियो ने बहन का, रेडियो ने दादा दादी नाना नानी सबकी भूमिका ऑलमोस्ट। जी जी, ये आप लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। रेडियो में पहले पारंपरिक ये कहा जाता था, रेडियो का उद्देश्य क्या है जी, तो हम लोग कहते थे ज्ञान, सूचना, समाचार और मनोरंजन जी। लेकिन जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में परिवर्तन हुआ और तकनीक में हुआ, तो रेडियो की भूमिका भी विस्तृत होती गई। अब आज अगर देखें अपन, तो सबसे पहले नॉलेज, रेडियो के माध्यम से नॉलेज, उसके बाद एजुकेशन, फिर उसके बाद सूचना समाचार, फिर संस्कृति, और नहीं उसके बाद मनोरंजन, जो कि पारंपरिक एक साधन था, मनोरंजन की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे समाज को, उसके बाद संस्कृति, और उसके बाद विकास, ये सारी चीजें रेडियो के साथ जुड़ती गई। जो एक बात आप लोगों ने कही उसकी, समाज में जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि खासकर महानगरों में एकल परिवारों की संख्या बढ़ती चली गई, यानी कि संयुक्त परिवार हमारे टूटने शुरू हुए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रोल दादा दादी का था, जो नाना नानी का था, वो रेडियो ने, वो रोल मतलब रेडियो की जिम्मेदारी हो गई। जैसे कि अगर आज हम महानगर में देखें, तो पहले ये होता था कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो नो डाउट फीमेल जेंडर, स्त्रियों पे, महिलाओं पे पड़ा, कि हमारी जो एक बच्ची थी जो एक महानगर में आकर रहती थी, यहाँ के वो विवाह भी कर लेती थी, उसको आगे गाइडेंस देने के लिए जी कोई भी नहीं था। कि मान लीजिए उसके घर में एक शिशु आने वाला है, हाँ, तो विमर्श कैसे हो? हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या जिम्मेदारियां लेना चाहिए, अगर शिशु आ गया है तो उसका पालन क्या करना चाहिए, जिस ओर आप लोगों ने इशारा किया उसका टीकाकरण किस ढंग से होना चाहिए, उसका आगे पालन पोषण किस ढंग से होना चाहिए। तो रेडियो ने ये सारी जिम्मेदारियां समझी। और इसमें मैं एक चीज साफ कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ आकाशवाणी बल्कि कम्युनिटी रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल सर। और उन्होंने हमारे समाज के इन बच्चों को इस बात के लिए अलग से एक फॉर्मेट दिया, अलग से कार्यक्रम दिए, अलग से चंक्स दिए कि आप आइए यहाँ पर, अपनी समस्या लेके आइए, हम आपकी समस्या को लेके विशेषज्ञ के पास जाएंगे, उससे उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे और आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी, खासकर महिला स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम इन चैनल्स पे आए, इन चैनल्स पे दिखाए गए। सबसे अच्छी बात यह है कि व्यावसायिक रूप से भी बहुत सारी हमारे जो व्यावसायिक हैं, उन्होंने भी इन कंपनियों, इस तरह के कार्यक्रमों को, जो कि
लोक हित के कार्यक्रम है उनको स्पॉन्सर किया जी, और स्पॉन्सर किया तो उससे ही मनोरंजन के साथ साथ ये विकासात्मक जानकारी भी हमारे श्रोताओं तक पहुंची है। ओके, मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से सोचूं कि अगर कुछ ऐसा कहा जाए कि रेडियो ने एक बृहत्तर परिवार का निर्माण किया, बहुत सही शब्द, एक बृहत्तर परिवार का निर्माण किया। और अभी हाल में कॉन्सेप्ट आया था फैमिली रेडियो, फैमिली रेडियो यूरोप अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझको कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर वो पूरा एक परिवार बन गया है आपका, 60 किलोमीटर ऑफ रेडियस या उससे छोटा हो सकता है। तो किसका जन्मदिन है, किसको बुखार है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, सारी बातें तो एक परिवार के, क्योंकि आपने एकल परिवार की बात की, आपका न्यूक्लियस फैमिली, तो ऐसे में रेडियो से बड़ी सहभागिता और क्या हो सकती है। मुझको ऐसा लगता है इसने बहुत बड़ा संबल भी दिया है, जीने का एक आधार भी दिया है कि एक बहुत बड़े महानगर में जहाँ मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ तो वहां पर कोई तो मेरा साथी है जो कि मेरे साथ बातचीत कर सकता जी, है। कुछ ऐसा मुझको लगा। जी, जी मेरे को ध्यान आया, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब हम लोग भी रेडियो में काम करते जी, रहे जी, तो हमारी हमेशा मान्यता रही है कि आपको हमेशा स्पेशल टारगेट ऑडियंस की खोज करते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये बात सिर्फ रेडियो के लिए नहीं है, जनसंचार के जितने माध्यम है सभी के लिए लागू करती, लेकिन हमने रेडियो में रहकर ये महसूस किया कि जो नेत्रहीन वर्ग है हमारा जी, उसके लिए जनसंचार माध्यमों में रेडियो के अलावा कोई भी साधन नहीं है जी। और आकाशवाणी दिल्ली ने और बल्कि आकाशवाणी के कई केंद्रों ने नेत्रहीन भाइयों के लिए, नेत्रहीन बहनों के लिए, नेत्रहीन समुदाय के हित के लिए अलग से कार्यक्रम आयोजित किए, और मतलब नियमित रूप से उसका प्रसारण जैसे हम सीनियर सिटीजन्स के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं, उनके लिए भी इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया। और मुझे लगता है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, नए श्रोता समूह या नए दर्शक समूह विकसित हो रहे हैं, उनके हित में हम मीडिया के लोग जो काम कर रहे हैं सोचें और उनके लिए कार्यक्रम प्रसारित करें, उनका निर्माण करें। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, हर कैटेगरी के लोगों के लिए रेडियो ने काम किया है। हमारे एक दर्शक हैं नीरज, जो कि एक विद्यार्थी हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं रेडियो एज मीडिया लिटरेसी टूल, इसे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी इस्तेमाल होता है? मतलब उनका मतलब मेरे ख्याल में ये है कि वो साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए, तो देखिए अभी सर ने एनसीईआरटी के चर्चा की, ज्ञानवाणी की चर्चा की, वास्तव में इसका उद्देश्य ही है। ये बात सही है कि रेडियो के पास एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है, दृश्य नहीं है जी। दृश्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी पहुंच इतनी ज्यादा है। और रेडियो की एक चीज और, ये सबसे सस्ती तकनीक, सबसे सस्ती लागत का माध्यम है, इसलिए साक्षरता के प्रचार प्रसार में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और भूमिका है, रही है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की कि सबसे पहले आप अपने टारगेट लिसनर को पहचाने, उसकी रुचि को पहचाने, उसकी बोली को पहचाने, उसकी संस्कृति को पहचाने, और वो किस फॉर्मेट को पसंद करता है। बिल्कुल, उस फॉर्मेट में आप कार्यक्रम अगर प्रसारित करेंगे तो इस दिशा में भी रेडियो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा और महत्वपूर्ण योगदान देता है जी। मैंने स्वयं आपको, मैं आपके इसी कार्यक्रम की प्रशंसा करना चाहूंगा यहाँ बैठ के, एनसीईआरटी का जो आप कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, मैंने स्वयं, मेरी खुद की बेटी है वो, और वो शिक्षा क्षेत्र से ही संबद्ध है, मैंने कई बार उसको देखा है कि वो यूट्यूब पे ये कार्यक्रम ढूंढ के, जैसे इकोनॉमिक्स में उसकी रुचि है एनसीईआरटी के किसी कार्यक्रम में, तो वो उसको ढूंढ के सुनने की कोशिश करती है। इसी प्रकार निश्चित रूप से रेडियो में भी एक ऐसा बनाना चाहिए, चैनल बनाना चाहिए जहां पर लोग उस कार्यक्रम को ढूंढें और सुने। और रेडियो का तो जितना भी खजाना है वो उसमें से अधिकांश खजाना का अब डिजिटल हो चुका है जी, जी। और उपलब्ध भी है, अगर किसी को लेना है तो ब्रॉडकास्टिंग हाउस से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, इसके पास जो खजाना है वो लिया जा सकता है। सर जैसा कि आपने कहा कि रेडियो में दृश्य नहीं है, आवाज है, तो शायद आवाज ही काफी है और इसको दृश्य की जरूरत है ही नहीं। नहीं, मैं यहाँ दूसरी बात कहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि रेडियो की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास दृश्य नहीं है जी। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, जहाँ दृश्य आ जाता है तो वहाँ एक बंधन आ जाता है। हाँ जी, मैं किसी टेलीविजन चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए, आप सुबह कोई समाचार टेलीविजन चैनल लगाएं तो वो सुबह से लेकर शाम तक वही वही कार्यक्रम दिखाता रहता, उसी बहस करता रहता, उसी पे
और इतनी ओवरलैपिंग होती है, खैर वो छोड़िए, वो इनके अपना एक हुआ, उसकी वजह है कि मान लीजिए उसका स्टूडियो दिल्ली में है, तो अगर वो बिना दृश्य के दिखाएगा तो वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा, खाली खाली लगेगा, तो उसकी मजबूरी, उसको दृश्य चाहिए, हाँ, कुछ तो दिखाए। और अगर दृश्य चाहिए तो मान लीजिए अगर बस्तर में कोई घटना हो गई है अबूझमाड़ में, तो उसका दृश्य वो बेचारा कहाँ से लाएगा, वो तो बहुत महंगा है उसका कवरेज जी। लेकिन रेडियो के पास दृश्य नहीं होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो सूचना को उचित फॉर्मेट में तुरंत, रेडियो की एक और ये बहुत बड़ी विशेषता है कि उसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, ट्रांजिस्टर के माध्यम से वो तुरंत, वो कार में जो रेडियो आजकल चल रहे हैं उसमें तुरंत वो सूचना अपने लक्षित वर्ग तक पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी मान्यता ये है कि दृश्य सौंदर्य के लिए, सूचना के विषय के सौंदर्यीकरण के लिए तो जरूर बहुत आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें त्वरित कार्यक्रम चाहिए, त्वरित सूचना चाहिए, त्वरित जानकारी चाहिए, तो रेडियो से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि दृश्य नहीं हो नहीं रेडियो की सबसे बड़ी ताकत। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इस बात के लिए कि रेडियो को शायद दृश्य की जरूरत है ही नहीं। इसमें एक बात मुझको याद आ गई कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर ने कहा था कि आपके पास एक ब्रॉडकास्टर होने के नाते, एक प्रसारक होने के नाते, आपका मे भी आपके पास एक माइक्रोफोन है, लेकिन उसने क्या कहा कि इफ यू स्माइल विद द माइक्रोफोन द ऑडियंस इज गोइंग टू स्माइल विद यू, absolutely, and if you cry on the microphone, the world is going to cry with you. It is such a powerful medium. जब हम इसके साथ हंसते हैं तो ऑडियंस भी हमारे साथ हंसती है। और ये अभी से कहा कि दृश्य नहीं होते, लेकिन अगर मैं सोचूं, मुझको ऐसा लगता है आपका बहुत दृश्य पैदा करता है, बहुत सारे दृश्य को, जी हाँ जी, सोचने का मौका देता है जी। बिल्कुल जी सर, जैसे जो पुराने जमाने में तकनीक इस्तेमाल होती थी, रेडियो के प्रोग्राम्स बनते थे, जैसे आपने फॉर्मेट्स की बात की, डॉक्यूमेंट्री की बात की, तो उस वक्त तो जो आज सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो नहीं करते थे जी। कुछ और ही इस्तेमाल करते थे, तो क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिखाएंगे, समझाएंगे कि उस समय में क्या होता था और आज के जमाने में हम क्या करते हैं और क्या फर्क है इसमें? बहुत पुरानी बात याद दिला दी आपने। आजकल की जो रिकॉर्डिंग है उसको हम डिजिटल रिकॉर्डिंग कहते हैं ना, आपका डिजिटल रिकॉर्डिंग है, लेकिन जब पहले, मुझको याद है जब मैंने भी ज्वाइन किया, और हमारे समय में, अब तो बोल सकता हूँ हमारा भी समय था ऐसा बोल सकते हैं, तो समय जो रिकॉर्डिंग की विधा थी उसको हम एनालॉग रिकॉर्डिंग बोलते थे। और अब तो बस आपने, आपके पास एक माइक है, कंप्यूटर है, और जो रिकॉर्डिंग है हार्ड डिस्क में हो जाती है। लेकिन इस समय कोई दिखाना चाहता हूँ, अपने समय में जो हम रिकॉर्ड किया करते थे, ये आपका एनालॉग टेप है, ये है ना, आपका एनालॉग टेप है, और ये रिकॉर्डिंग मशीन में लगाया जाता था यूं करके, और ऐसे करके घूमता था। आपने कुछ फिल्मों में भी आपने इसको देखा होगा, आपके चरखी को घूमते हुए, है ना, तो इस पर रिकॉर्डिंग होती थी, इस पर रिकॉर्डिंग होती थी। और अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर मैंने लिखा है इसमें 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती थी, 30 मिनट की, हाँ 30 मिनट की रिकॉर्डिंग। अगर कुछ छोटा कार्यक्रम चाहिए तो आपका 15 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए ये था, है ना, आपका 15 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए हम इस प्रकार के टेप को यूज करते थे। इसको आकाशवाणी में जो 30 मिनट का टेप, इसको डी साइज टेप कहते थे जी जी जी, और 15 मिनट का उसको बी साइज टेप कहते थे। ये कितना पुराना है? और यहाँ पर मैं एक बात और देख रहा हूँ, ये 1985 का दिखाई पड़ रहा है मुझको, और साथ में ये शीट, आजकल तो ये सब मेंटेनेंस बहुत कम होता है, इसको हम क्यू शीट बोलते थे। क्या क्या कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ, आपका कितने मिनट का हुआ है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग क्यू शीट को देख सकते हैं, यू करके देख सकते हैं, ये आपका क्यू शीट है, और इसमें टाइप भी उस समय की रेमिंगटन की टाइपिंग है। हाँ, रेमिंगटन की टाइपिंग, वही पुराना वाला फोन देख करके, तो इसमें और इतनी इसके अंदर डिटेलिंग है, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें जो पाठ है आपका कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनकी आवाज यहाँ पर है, प्रश्नकर्ता कौन था, इसका प्रोड्यूसर कौन था, और साथ में कार्यक्रम में क्या बनाया गया उसका पूरा सिनॉप्सिस, ये सारी डिटेल्स मिला करते थे जी जी। यहाँ से आगे चले फिर, लेकिन अब इतना बड़ा तो हर कोई अपने घर में नहीं बजा सकता, तो ये घरों तक कैसे पहुंचेगा, तो बच्चों को देख के शायद अच्छा रहेगा, उन दिनों ये ऑडियो कैसेट हुआ करते थे, है ना, ऑडियो कैसेट, ये भी एक प्रकार का मैग्नेटिक टेप है, हम इसको इस्तेमाल किया करते थे। और अब तो ऑडियो कैसेट से यात्रा आगे निकल गई, अब आगे सीडी पर, सीडी भी अब कुछ हद तक अब कुछ कम होने लगा, बहुत कम हो गया। यहाँ से अब आप आ जाइए पेन ड्राइव में, है ना, यहाँ से पेन ड्राइव में आ जाइए, और अब तो आपका चिप के अंदर भी आपको सारे कार्यक्रम मिलते हैं। तो ये आपका एनालॉग से डिजिटल की यात्रा है, और उन दिनों इन मशीनों का हमने खूब यूज किया। और एक बड़ी अच्छी बात थी, आजकल तो बैठे आराम से आज जो भी चाहे साउंड इफेक्ट बना ले, सब कुछ कर दे। उन दिनों होता था 5-5 सोर्स होते थे, है ना, 5-5 मशीन है, और यू खड़े होते थे ऐसे करके,
और जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट है तो यहाँ पर आपका ड्रामा है, यहाँ पर म्यूजिक है, यहाँ पर साउंड इफेक्ट है, और इतना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना पड़ता था, लिटरली मतलब दौड़ा करते थे, है ना, और तब जाके कार्यक्रम बनता था। तो ये उस समय का बड़ा ही रुचिकर अनुभव हमें से हर एक के साथ रहा। तो ये आपने इतनी लंबी जर्नी इतनी अच्छे से बता दी और समझा दी। एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने पूरी तकनीक बताई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए करूँ कि भारत का पूरा शास्त्रीय संगीत जी और कर्नाटक संगीत, लोक संगीत वगैरह तो है ही, उसको संरक्षित करने में इसी तकनीक ने, इन्हीं टेप्स ने सबसे अधिक योगदान दिया जी। और आकाशवाणी के अभिलेखागार में जितने भी हमारे, चाहे बिस्मिल्ला खान साहब हों, चाहे पंडित रविशंकर जी हों, जितने भी ये संगीतकार हों, कर्नाटक संगीत के संगीतकार हों, सबकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी, उसका डिजिटाइजेशन किया गया, उन कलाकारों को, उन कलाकारों की जो पीढ़ियां थी उनको रॉयल्टी उपलब्ध कराई गई और उसके साथ उसे जन प्रचार के लिए बाजार में भी भेजा गया। एक बात और अंतिम एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई ऑलमोस्ट हमारे पास आपका 3000 से ज़्यादा कार्यक्रम जो हैं ये भी डिजिटाइज हुए और ये NCERT में भी उपलब्ध हैं, जिस प्रकार के एज ग्रुप के अनुसार, और इसका डाटाबेस एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर चाहें तो शैक्षिक कार्यक्रमों का अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी इन कार्यक्रमों को ले सकता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद, आप सभी ने हमें देखा, हमसे सवाल पूछे, हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछे, और आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज हमने रेडियो के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की, बहुत विस्तार से, और आप लोग हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए तो शुक्रिया। और अब हम ये कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आज शाम को 4 बजे एक बार फिर से आएंगे एग्ज़ाम हेल्पलाइन लेके, गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स। आप क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, और उसके लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड, कोई भी डाउट्स, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर cieet.kishoremanch@gmail.com। 4 से 5 NCERT देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।